नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, जातिगत जनगणना को कराने को लेकर आरजेडी ने अपना स्टैंड जो है वो रुख इख्तियार कर लिया है, यानी कि आरजेडी का साफ कहना है कि हर हाल में हम बिहार में जातीय गणना जो है वो करा कर रहेंगे। और इसी को लेकर के आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है एक बैठक की गई और इस बैठक के बाद 33 देश के 33 प्रमुख पार्टियों को और प्रमुख नेताओं को जो है वो पत्र लिखा गया है। इस पत्र के जरिए तेजस्वी यादव ने तमाम नेताओं से ये समर्थन मांगा है कि देश में जातिगत गणना होनी चाहिए। जेडीयू की तरफ से अपने रुख को स्टैंड करने के बाद आरजेडी ने उन्हें 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, समय दिया है कि आप जो है 3 दिनों के अंदर सोच लीजिए और उसके बाद क्या फैसला होगा ये हमें बता दीजिए। तेजस्वी यादव ने हर हाल में कहा है कि हम देश में जातीय गणना जो है वो करा कर रहेंगे। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको हम विस्तार से इसकी जानकारी दे देते हैं। दरअसल जातिगत गणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाने के लिए राजद ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जेडीयू को रुख स्पष्ट करने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेट देने के बाद शनिवार को यानी आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के विभिन्न दलों के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने और समर्थन मांगने का बात कहा है। पत्रों की फैसियत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी तक शामिल हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को नजरअंदाज किया है। आपको बता दें कि 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती शामिल करने के मसले पर तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं तेजस्वी ने अपने पत्र को इंटरनेट मीडिया पर भी साझा किया है। आपको बता दें कि विभिन्न जातियों की संख्या जानना कैसे देश हित में है और केंद्र सरकार का रवैया क्यों नकारात्मक है, तेजस्वी यादव ने सभी दलों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के पास एक भी कारण नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 दिनों की मोहलत भी दी है और कहा है उसके बाद महागठबंधन अपना अलग एक्शन प्लान तैयार करेगा। हम आपको बता दें कि तेजस्वी ने जिन प्रमुख नेताओं को पत्र लिखा है उनमें सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, एमके स्टीलन, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, डी राजा, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल एवं फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। तो साफ तौर पर इन 33 प्रमुखों को तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराने में समर्थन देने की मांग की है। अब देखना होगा कि इन 33 में कितने लोगों का समर्थन जो है वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिलता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार को मात्र 3 दिन का समय दिया गया है, यानी कि अल्टीमेट दिया गया है कि आप इस पर विचार कीजिए, आप सोचिए कि आखिर देश में बिहार में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर आप क्या सोच रखते हैं। हालांकि बड़े मजाकिया अंदाज में तेजस्वी यादव ने कल उन पर निशाना भी साधा था, कहा था कि तेजस्वी यादव जो माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जो है वो बहुत बिजी रहते हैं और इसके बाद जो है एक बार फिर से बिहार की सियासत को अब देखना होगा कि जातिगत गणना के मुद्दे पर अपना अपना क्या स्टैंड आता है। हालांकि बीजेपी तो इस पूरे मसले पर चुप है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।